हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चंस का सीरीज लेके मैं आपके समक्ष डेली बेसिस पे आ रही हूँ। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। आज के सेशन में 100 क्वेश्चंस हैं एंड इजी टू मॉडरेट दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस आप देखिएगा, आधे पे छोड़ के मत भागिएगा। एंड दोस्तों, डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है 5 अप्रैल को होने वाला है, आपके पास अब टाइम नहीं है, तो डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए और अपना सेल्फ स्टडी भी करिए। चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, जो मैं बीपीएससी टीआरई 2 में भी प्रैक्टिस कराया है 79-80 वीडियोज का, वो सभी वीडियोज आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, धमनियाँ यानी आर्टरीज रक्त को ले जाती हैं। तो ये चीज़ें आप सबको पता है कि धमनियाँ जो है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उस हृदय से यानी बाएं नीला जब संकुचित होता है तो एरोटिक वाल्व के रास्ते चला जाता है महाधमनी में। और महाधमनी के कई सारे शाखाएं होती हैं, जिसमें प्रथम शाखा निकलती है कोरोनरी धमनी, जो हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है। उसके बाद अन्य शाखाएं निकलती हैं, जो शरीर के समस्त अंगों तक रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। तो ये हृदय से रक्त ले जाती हैं, हृदय से अंगों तरफ, ठीक है, हृदय से अंगों की तरफ ले जाती हैं। ठीक है दोस्तों, लंबा वीडियो हो जाएगा, 100 क्वेश्चंस हैं। धैर्य बना करके एक एक क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ। नेक्स्ट है, मोच होती है, मोच यानी स्प्रैन। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, मोच यानी कि स्प्रैन ली यानी लिगामेंट के जो चोट होते हैं उसको मोच कहते हैं, और स्ट्रेनम यानी मांसपेशी और टेंडन के जो चोट होते हैं उसको खिंचाव या स्ट्रेन कहते हैं। तो मोच यानी स्प्रेन जो होता है, जो लिगामेंट्स होता है, लिगामेंट्स का जोड़ फैलने या फटने से होता है। लिगामेंट्स दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, जबकि टेंडन जो होता है स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, वेन्स यानी कि सिराएं रक्त को ले जाती हैं। यदि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है तो वो हृदय से अंगों की तरफ ले जाते हैं। तो सिराएं क्या करती हैं, अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अरुंध में लाकर छोड़ती हैं, तो हृदय में लाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंट्रास्ट बॉथ की संस्तुति की जाती है। तो कंट्रास्ट बॉथ जो होता है, इसमें ठंडा और गर्म जल दोनों का प्रयोग किया जाता है, और पहले ठंडा पानी फिर गर्म जल का प्रयोग किया जाता है, या सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जब मांसपेशी में खिंचाव हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए। तो खिंचाव हो यानी स्ट्रेन हो, खिंचाव यानी कि स्ट्रेन यानी कि जो टेंडन और मांसपेशी की चोट है, तो इस प्रकार के स्ट्रेन और एथलेटिक प्रकार की जो चोटें होती है उसमें सबसे पहले बर्फ का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, क्रायोथेरेपी को कहते हैं। दोस्तों, क्रायोथेरेपी जो आइस थेरेपी होती है, बर्फ चिकित्सा, ठंडी चिकित्सा को क्रायोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है। दोस्तों, आपको पता है, लेकिन यहां 4.5 मीटर, 2.4 मीटर दिया हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है, असत्य होगा। कितना होता है, राइट, 6.5 मीटर। नेक्स्ट है, सूजन को कम करता है कौन। दोस्तों, अभी जस्ट आप देखे हैं कंट्रास्ट बाथ जो है वो सूजन को कम करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोच का लक्षण निम्न में से एक है। मोच जो लिगामेंट की चोट होती है उसके मुख्य लक्षण है सूजन हो जाना। क्या हो जाना, सूजन हो जाना। नेक्स्ट है, पित्त रस यानी पित्त जो है यकृत में उत्पादित होता है। तो आप सबको पता है कि जो पित्त रस होता है, बाइल जूस होता है, वह यकृत ही उत्पादित करता है और जा करके गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है। स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय में, निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में, ठीक है। और पित्त रस का कार्य क्या होता है, पित्त रस जो होता है वह फैट यानी वसा का पाचन करता है, जो भोजन में उपस्थित वसा होता है, तथा वसा में घुलनशील विटामिन के डी ई के, ठीक है, उसका पाचन
करता है, यानी कि वसा को जल में घुलनशील बना करके पाचन योग्य बनाती है, तो इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। और क्या करता है, पित्तरस या आंतों में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है, अथवा अमाशय से आए भोजन को काइम को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो आप सबको पता है दोस्तों 206 होती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, दोस्तों त्वचा, दोनों गुर्दे, फेफड़े, ये तीनों उत्सर्जी अंग है, बट मुख्य उत्सर्जी अंग की बात कर रहा है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग है दोनों गुर्दे यानी कि किडनी। नेक्स्ट है, खेलों में चोटें क्यों लगती हैं, तो लापरवाही के चलते भी लगते हैं, अपर्याप्त प्रशिक्षण तकनीक व उपकरण का अपर्याप्त प्रशिक्षण किए हैं, प्रशिक्षण अच्छे तरीके से नहीं किए हैं, वार्मिंग अप नहीं किए हैं, ठीक है, एंड उपकरण सही नहीं है, ज्ञान की कमी है, ये सभी कारणों की वजह से खेलों में चोट लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस यानी कि लंग्स यानी फेफड़ा किसका एक अंग है, तो आप सबको पता है ये श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शरीर में होते हैं, तो एक मानव सामान्य मानव शरीर में दो ब्रिक होते हैं या दो किडनी होता है। नेक्स्ट है, जंघास्थि का नाम है, जंघास्थि यानी जांघ की हड्डी का नाम है फीमर यानी उर्वास्थि, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, स्टेपस जो हमारे कान की होती है, एंड सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे निचले जबड़े की मैंडिबल, एंड सबसे मजबूत भाग होता है हमारा शरीर का दांतों का इनेमल। नेक्स्ट है, शरीर संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, जब भी संरचना में स्ट्रक्चर की बात आए तो वहां पे एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान होगा, जबकि फिजियोलॉजी यानी क्रिया की फंक्शंस की बात आए तो वहां पे फिजियोलॉजी होगा यानी शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट है, अस्थि पंजर में अस्थियां कितनी होती हैं, तो हमारे मानव शरीर में 2 से 6 अस्थियां होती हैं, जिसको अपर लिंब एक्सियल कंकाल और अपेंडिकुलर कंकाल में बांटा गया है, एक्सियल कंकाल 80 होती हैं और अपेंडिकुलर जो है 126 होती हैं, और जिसका मैंने डिटेल में आपको वर्णन बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग से पित्त उत्पन्न होता है, तो दोस्तों ये अभी जस्ट बताई हूँ कि पित्त रस का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। नेक्स्ट है, सोलियस पेशी कहाँ होती है, तो सोलियस पेशी जो होती है हमारे निचले पैर में होती है, ठीक है, निचले पैर में होती है सोलियस पेशी। पेशियों के बारे में डिटेल में जानने के लिए पेशी वाले कौन सी मसल्स का क्या कार्य है और कौन सी मसल्स कहाँ पे पाई जाती है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो सोलियस मसल्स पैर के निचले पैर में पाई जाती है, पेक्टोरलिस मेजर्स जो हमारे सीने के पास पाई जाती है, जिसको थ्रोइंग मसल बोलते हैं, ठीक है, लैटिमर डोर्सी कमर के पास से ऊपर पीठ पर पाई जाती है, जिसको रोइंग मसल्स कहते हैं, एंड सेरेटस एंटीरियर को बॉक्सर मसल्स कहते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स जो है हमारे कुल्हे में यानी कि हिप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो इंसुलिन जो है वो उत्पन्न होता है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा, ठीक है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के लैंगेहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से उत्पन्न होता है इंसुलिन, यानी कि मधुसूदनी भी इसको कहा जाता है। जैसे कि अग्नाशय में लैंगेहैंस की दीपिकाओं से 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ कोशिकाएं। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगन हार्मोन निकलता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, यकृत को उत्प्रेरित करता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है। और डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है जो ग्लूकेगन या इंसुलिन के अत्यधिक स्त्राव को रोकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बॉल एंड साकेट ज्वाइंट्स कहाँ पाया जाता है? आप सबको पता है बॉल एंड साकेट ज्वाइंट में सभी प्रकार की मूवमेंट्स यानी गतियां संभव होती हैं, जैसे हमारे कंधे यानी कि कंधे की और हिप की ज्वाइंट जो होती है, ठीक है, यहाँ पे कंधे में बॉल एंड साकेट ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय गति कितनी बार धड़कता है? तो आप सबको पता है 72 बार धड़कता है। जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, उस कंडीशन में ट्रेनिंग के समय 180 हार्ट रेट हो जाता है, और जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं तो 40 से 50 हार्ट रेट हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में होता है, तो मानव रक्त में RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा सभी होते हैं, तो श्वेत रक्त लाल रक्त यानी कि दोनों होती हैं, और ऑप्शन नंबर ख दोनों राइट होगा। नेक्स्ट है, खेल क्रियाएं राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता करती हैं, तो जो खेल क्रियाएं होती हैं वो राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता करती हैं, सत्य है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना कौन सी है? तो दोस्तों तो वो होती है कोशिका, जो हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती है। नेक्स्ट है, रक्त का क्या कार्य है दोस्तों? तो जो रक्त होता है, रक्त का क्या कार्य है? रक्त जो है पोषक तत्वों को ले जाता है, ऑक्सीजन की भी पूर्ति करता है, तो उपरोक्त दोनों आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, यकृत यानी कि लीवर का क्या कार्य है दोस्तों? लीवर शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है, एंड लीवर पित्त का भी स्त्राव करता है, एंड लीवर मूत्र का यानी यूरिन का भी निर्माण करता है, यूरिया का भी निर्माण करता है। कैसे? जो हम प्रोटीन लेते हैं वो अमीनो एसिड में बदल जाता है, यकृत में जाकर के अमीनो जिसमें नाइट्रोजन होता है वो उससे अलग हो जाता है, हमारे शरीर में उपयोग हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो अमोनिया बच जाता है, ठीक है, यानी कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है यकृत, यानी अमीनो एसिड छोटी आंत से अवशोषित होकर रक्त द्वारा यकृत में पहुंचते हैं, यहाँ अमीनो एसिड से नाइट्रोजन अलग हो जाता है और उसका अमोनिया अम्ल यूरिया में बदल जाता है, अंत में किडनी रक्त से यूरिया लेकर रक्त को छान कर शुद्धिकरण करके पेशाब द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, शरीर की ऊंचाई लंबाई वजन व आकार में वृद्धि शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है, राइट है दोस्तों? जो भी ऊंचाई लंबाई जिसे मापा जाता है उसे वृद्धि कहते हैं, और जो विकास यानी ग्रोथ कहते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा होता है, जीवन पर्यंत में होता रहता है। नेक्स्ट है, अनुलोम विलोम एक है, तो अनुलोम विलोम क्या है दोस्तों? यह प्राणायाम है। अनुलोम विलोम क्या है? एक प्राणायाम है। नेक्स्ट है, कपालभाति क्या है दोस्तों? तो कपालभाति तो सटकर्म भी है और प्राणायाम भी है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, सटकर्म भी है और प्राणायाम भी है। नेक्स्ट है, रेचक का क्या अर्थ है? तो प्राणायाम यानी सांसों पर नियंत्रण करना, प्राणायाम का अर्थ है प्राणधन आयाम, सांसों पर नियंत्रण करना, प्राण यहाँ पे ऑक्सीजन को कहा गया है, ठीक है। तो प्राणायाम के तीन घटक है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मतलब होता है सांस को अंदर लेना यानी इंस्पायरेशन, एंड पूरक कुंभक मतलब सांस को अंदर रोकना, और रेचक मतलब होता है सांस को बाहर निकालना यानी एक्सपायरेशन। तो यहाँ रेचक पूछा है यानी कि सांस को बाहर निकालना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, एक्सपायरेशन। नेक्स्ट है, बाइसेप्स फीमोरिस निम्न में से किसके लिए प्राइम मूवर का कार्य करता है? तो दोस्तों बाइसेप्स फीमोरिस जो है हमारे जांघ के पीछे की जो हेमस्ट्रिंग मसल्स होती है उसी ग्रुप का भाग होता है। हेमस्ट्रिंग मसल्स जो होता है तीन मसल्स ग्रुप से बना होता है, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस, जो घुटने को मोड़ने में काम आती है। तो जो प्राइम मूवर यानी कि जो मांसपेशियां जो होती हैं दो प्रकार से काम करती हैं, एक प्राइम मूवर यानी एगोनिस्ट रूप से जो मांसपेशी को कार्य करने में मुख्य भूमिका अदा करती है उसको प्राइम मूवर या एगोनिस्ट करते हैं कहते हैं, और जो उसके विपरीत भूमिका अदा करती है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम बाइसेप्स फीमोरिस जो है जब हम घुटने को मोड़ते हैं, बाइसेप्स फीमोरिस जो है घुटने को मोड़ने में सहायक होता है, तो यहाँ पे नी फ्लेक्शन यानी घुटने को मोड़ना राइट होगा। जब घुटने को मोड़ते हैं तो मुख्य भूमिका अदा कर रही है बाइसेप्स फीमोरिस, और उसकी विपरीत भूमिका अदा कर रही है क्वाड्रिसेप्स मसल्स। तो बाइसेप्स फीमोरिस एगोनिस्ट हो जाएगा और क्वाड्रिसेप्स मसल एंटागोनिस्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है समाजशास्त्र की शाखा का नाम है, तो समाजशास्त्र की शाखा का नाम है खेल समाजशास्त्र। नेक्स्ट है मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो आप सबको पता है कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से शरीर के अंग और अंगों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा तथा खेल के कार्यक्रम को मुख्यतः होते हैं दोस्तों, तो सामूहिक खेल भी होते हैं, व्यक्तिगत खेल भी होते हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों आंसर नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉलर बोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कॉलर बोन जो उरोसी यानी स्टर्नम के पहले बार मैनुब्रियम ग्लैडियोलर जीफाइड, तीन भाग होते हैं उरोस्थी यानी स्टर्नम की, जिसमें से जो सबसे चौड़ा वाला ऊपर वाला भाग होता है उसी से छोटा पतला सा निकल के जाता है, हसुली भी जिसे कहा जाता है, कॉलर बोन भी कहा जाता है, तो इसे क्लेविकल भी कहते हैं, अन्य नाम इसका क्लेविकल भी है। नेक्स्ट कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, तो आप सबको पता है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है, एंड जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी, जीव विज्ञान को बायोलॉजी। नेक्स्ट लार किसमें स्त्रावित होता है, आप सबको पता है लार जो है वो हमारे मुख से स्त्रावित होता है, जिसमें टैलिन एवं लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है, जो टैलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ पे आरंभ हो जाता है, तो हमारे मुख में ही आरंभ हो जाता है लार के द्वारा, और भोजन का पूर्ण पाचन पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। नेक्स्ट दोस्तों मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पे बात कर रहा है, किसका अंग है, तो यह तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का अंग है, जिसमें तीन भाग होते हैं सीएनएस पीएनएस एएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों थ्योरी सेशन में। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, तो ये सत्य है दोस्तों, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो थायराइड ग्रंथि होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है दोस्तों, तो हमारे पेशियों में एक्टिन मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ पे मायोसिन राइट होगा। और क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था दोस्तों कि जो ग्लाइकोजन को बांध के रखता है हमारे मांसपेशियों में, उस पिगमेंट को क्या कहते हैं, तो उसको मायोग्लोबिन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रसनी कंठ श्वास वाहिका श्वास नली और फेफड़े किसके घटक है, तो ये सभी श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के घटक हैं। नेक्स्ट दोस्तों यम कितने होते हैं, तो दोस्तों महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में अष्टांग योग में आठ सिद्धांत बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसमें से यम जो है सामाजिक अनुशासन कहा जाता है, और जिसमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आता है, तो जिसमें यानी कि जो यम होते हैं वो पांच होते हैं। दूसरा जो होता है अष्टांग योग का भाग नियम वो भी पांच होता है, जो यम को हम सामाजिक अनुशासन कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक अनुशासन किसे कहते हैं, यम को, और नियम को व्यक्तिगत अनुशासन कहते हैं, जिसमें अपने प्रति जो क्रिया शारीरिक मानसिक क्रिया किया जाता है नियम किया जाता है उसका वर्णन किया गया है, जिसमें नियम के अंतर्गत भी पांच क्रियाएं आती हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। नेक्स्ट है योग के जनक है, आप सबको पता है योग के जनक है महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ है लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार क्या है, तो दोस्तों ये अष्टांग योग जो है शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में आठ चरण बताए हुए हैं, जिसमें से प्रथम पांच जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहिरंग साधन है, और लास्ट के तीन जो है धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग साधन है। तो यहाँ पे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये पांचों जो है बहिरंग योग है, उसके अलावा जो लास्ट के तीन है धारणा ध्यान समाधि वह अंतरंग योग कहलाता है। नेक्स्ट है योग करने का सर्वोत्तम समय क्या है, तो आप सबको पता है प्रातः काल जो मॉर्निंग टाइम होता है बेस्ट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अष्टांग योग में कितने भाग होते हैं, तो वेरी इजी क्वेश्चन आठ होते हैं, इसके हर बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं,
नेक्स्ट, मांसपेशी खिंचाव क्यों होती है? तो मांसपेशी खिंचाव खेलने से पहले पर्याप्त वार्म अप ना करना पड़े, तो ये भी राइट हो जाएगा। मांसपेशियों में असंतुलन, खनिजों में यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उसकी कमी होती है, तो भी मांसपेशी खिंचाव हो जाती है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, पद्मासन का दूसरा नाम है, तो पद्मासन एक ध्यानात्मक आसन है और जिसको कमलासन भी बोला जाता है, जिससे एकाग्रता पावर बढ़ती है। नेक्स्ट दोस्तों, तड़ासन की स्थिति होती है, तो तड़ासन जो है ये लंबाई बढ़ाने के लिए होता है, यह स्टैंडिंग पोजीशन यानी खड़ी पोजीशन में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, धनुरासन में धनु का क्या अर्थ है? तो धनुरासन में धनु का अर्थ धनुष होता है, धनुष की तरह आकृति बन जाता है, पेट के बल लेट करके किया जाता है, दोनों पैरों के टखने को पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचा जाता है, अपने गर्दन को भी ऊपर की तरफ खींच करके पीछे की तरफ देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, योग सूत्र के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है महर्षि पतंजलि है, ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के उद्देश्य क्या है? दोस्तों योग का उद्देश्य होता है रोग से मुक्त करना, शरीर का शुद्धिकरण करना, एकाग्रता लाना, ये सभी चीजें होता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन है, तो दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन जो है ये सामाजिक प्रतिस्पर्धा देना है, एंड सामाजिक प्रेरक भी है, आर्थिक प्रेरक भी है, ये सभी कहलाएगा दर्शकों के द्वारा प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, मयूरासन की स्थिति कैसी होती है? दोस्तों मयूरासन एक सौंदर्य आसन भी इसको कहा जाता है, ये मोर की तरह आकृति हो जाती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सा का संबंध किससे है? दोस्तों तो उपचार से है, खेल चिकित्सा का ये भाग होता है, प्राथमिक चिकित्सा मतलब सबसे पहले चिकित्सा। नेक्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होता है? सभी जो प्राथमिक चीजें होती है जैसे डेटॉल, रुई, पट्टी, उपरोक्त सभी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है, योग क्या है? तो दोस्तों योग मतलब होता है साधना, एक दूसरे को जोड़ना। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार शब्द का प्रयोग कब किया गया था? दोस्तों तो यह 1879 में इंग्लैंड के सेंट जॉन एम्बुलेंस में किया गया था, ठीक है, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा 1879 में इंग्लैंड में सबसे पहले प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग किया गया, और फर्स्ट एड जो है यह RICE सिद्धांत पर कार्य करता है। R मतलब रेस्ट, I मतलब बर्फ लगाना, C मतलब कंप्रेजन यानी कि उसको दबाना, एंड इलेवेशन मतलब चोटिल भाग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य निकाय यानी कि NFC, नेशनल एफिशिएंसी कोर कार्यक्रम का स्थापना हुआ था 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खेलों में पुनर्वास में उपयोग करते हैं, तो दोस्तों पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी चोट लग जाने पर पुनः पहले वाले स्थिति में आना ही पुनर्वास यानी पुनः अच्छे स्थिति होना ही पुनर्वास कहलाता है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कहा जाता है, यानी पुनः खेल ट्रेनिंग में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शीघ्रता से वापस आना ही कहलाता है पुनर्वास, जिसकी तीन विधियां होती हैं, या करेक्टिव एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम विधियां, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां, तीसरा होता है चिकित्सा विधियां। इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन रहेगा तभी राइट होगा, तो यहाँ पे सुधारात्मक व्यायाम दिया हुआ है तो करेक्टिव एक्सरसाइज आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मोम मोच एक चोट है, तो मोच जो है यानी कि स्प्रेन, ये लिगामेंट के अधिक खिंच जाने से होता है, तो अस्थिबंध यानी लिगामेंट की चोट है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या विचार है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि केवल रोगों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक संपूर्ण रूप से तंदुरुस्ती के रूप में ही स्वास्थ्य को माना जा सकता है, तो यहाँ पे संपूर्ण तंदुरुस्ती ही आपका स्वास्थ्य है WHO के अनुसार। नेक्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, कैंची होता है, तापमापी होता है, पट्टी होता है, सिक्का नहीं होता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण है? तो महर्षि पतंजलि ने शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण बताए हुए हैं। तो जिसमें नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, शारीरिक अभ्यास, ये सभी आपका राइट होंगे। नेक्स्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी कहाँ स्थित होती है? तो आपको पता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है यह हमारे नितंब यानी हिप में स्थित होती है, और सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियस जो हमारे जांघ में होती है, और सबसे छोटी पेशी होती है हमारे कान में स्टेपेडियस, एंड सबसे मजबूत पेशी होती है हमारे निचले जबड़े में मसेटर मसल्स। नेक्स्ट है दोस्तों कि युवा व्यक्ति में सामान्य पल्स रेट सीमा होती है, पल्स रेट सामान्य होता है 60 से 100 के बीच में। नेक्स्ट दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि कहां पे होती है? तो हमारे दोनों किडनी के ऊपर होती है। नेक्स्ट जल चिकित्सा को क्या कहते हैं? तो जल चिकित्सा को हाइड्रोथेरेपी भी कहा जाता है, और शीत चिकित्सा ठंडे चिकित्सा को क्रायोथेरेपी भी कहा जाता है, और जो बिजली से चिकित्सा की जाती है उसको इलेक्ट्रोथेरेपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य मानव शरीर के कार्यों के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कार्य शब्द फंक्शन आया है, तो फंक्शन शब्द जो होता है वो फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, स्ट्रक्चर यानी संरचना की बात आए तो एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है डेल्टॉइड पेशी स्थित होती है। दोस्तों डेल्टॉइड हमारे कंधों पर यानी स्कंध पर स्थित होती है जो बांह को ऊपर उठाने में मदद करती है। नेक्स्ट है बाइसेप्स क्या है? तो एक प्रकार का स्वैच्छिक यानी कि रेखित पेशियां होती है जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रक्त क्या लेकर जाता है? दोस्तों रक्त में हार्मोन्स को भी लेकर जाता है, एंजाइम को भी, ऑक्सीजन को भी, सभी पोषक तत्वों को लेकर जाता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है सर्किट ट्रेनिंग विकसित करने की प्रमुख विधि है। तो दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग जो होता है एक गोलाकार प्रशिक्षण होता है परिधि में, और जो सर्किट ट्रेनिंग जो होता है वह स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि शक्ति सहनशीलता को डेवलप करता है, ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट है लचीलापन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? तो सर्वोत्तम पद्धति है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग पद्धति। दोस्तों लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की विधि है बैलिस्टिक स्टैटिक डायनामिक एमपीएनएफ मेथड, जिसको लचीलापन में वाले वीडियोज को जाकर देखिए, जो स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों योग का अर्थ है, योग मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। योग संस्कृत के युज धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। नेक्स्ट खेल समाज का महत्वपूर्ण अंग है, सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों खिलाड़ियों में आत्मविश्वास होता है, राइट है, खिलाड़ियों में आत्मविश्वास होना चाहिए, इससे सहमत हैं सभी लोग। नेक्स्ट है खिलाड़ियों के लिए सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन का गुण होना चाहिए, स्पोर्ट ट्रेनिंग में आपने पढ़ा हुआ है तो इससे भी आप सभी सहमत हैं। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय गति कितना होता है? तो 60 से 100 प्रति मिनट होता है, और डायरेक्ट पूछेगा तो 72 प्रति मिनट होगा। नेक्स्ट दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तभी सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी, आर्थिक विकास के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी का क्या अर्थ है? दोस्तों तो जल के द्वारा जो चिकित्सा किया जाता है वो हाइड्रोथेरेपी होता है, जैसे वर्लपूल बाथ, इमर्सन बाथ एंड कंट्रास्ट बाथ इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वार्मिंग अप क्या करता है? तो दोस्तों वार्मिंग अप से हमारे शरीर के तापमान बढ़ता है, यानी शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है टेनिस एल्बो हो सकती है, तो जो भी रैकेट वाले खेल होते हैं जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन, तो सिर्फ टेनिस खिलाड़ियों को, सिर्फ बैडमिंटन खिलाड़ियों को, हॉकी खिलाड़ियों में भी हो जाता है, क्योंकि उसमें भी मूवमेंट्स होता है हमारी कलाई यानी कि जो टार्सल हड्डियां होती हैं उसका होता है, कार्पल हड्डियों का, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है एक निशक्त यानी डिसेबल्ड जो व्यक्ति होता है, विकलांग हो जाता है, चोट लग जाता है, वो लंबी दूरी के धावक को क्या प्राथमिक चिकित्सा संस्तुत करेंगे? तो उसको मालिश सबसे पहले करेंगे,
प्राथमिक चिकित्सा में आपका बर्फ लगाना, मालिश करना, फिजियोथेरेपी आदि हो जाएगा, तो यहाँ पे मालिश आपका राइट होगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात किया गया है प्राथमिक चिकित्सा देने का, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी भी होना चाहिए, बट यहाँ पे मालिश दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को क्या कहते हैं। जहां थकान शब्द आए और प्लस में प्रतिरोध आ जाए, तो प्रतिरोध जहां पे आ जाए वहां स्ट्रेंथ की बात हो रही है, और जहां थकान आ जाए वहां पे थकान के साथ तो सहनशीलता तो आपका रहेगा ही, तो यहाँ पे शक्ति सहनशीलता होगा, बट ऑप्शन नहीं दिया है तो केवल सहनशीलता, आपका थकान शब्द आ गया है तो वहां पे सहनशीलता ही राइट होगा, ठीक है। तो थकान के साथ जो कार्य करते रहे, और थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को कहते हैं स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, थकान के बाद भी कार्य करते रहना उसे सहनशीलता कहा जाता है, यहाँ पे इंड्योरेंस आपका राइट होगा। याद रखिएगा इंड्योरेंस को स्टेमिना एंड सहनशीलता, इंड्योरेंस आदि नामों से जाना जाता है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मांसपेशी ऐंठन का क्या कारण होता है। तो दोस्तों अत्यधिक कार्य करना, आवश्यकता से अधिक आपका ओवरलोड कर रहे हैं, नमक की कमी और पेशी में कोई चोट आ जाए, तो उपरोक्त सभी कारण होते हैं मांसपेशी ऐंठन का। नेक्स्ट है तीव्र अंतराल प्रशिक्षण विकसित करता है, यानी कि जो तीव्र अंतराल जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है, तीव्र बहुत फास्ट हो रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी अंतराल हो रहा है, तो वहां पे गति सहनशीलता विकसित होगी, स्पीड इंड्योरेंस, गति सहनशीलता यानी स्पीड इंड्योरेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट है क्रायोथेरेपी का अर्थ है। दोस्तों ठंडी चिकित्सा को, शीत चिकित्सा को क्रायोथेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट अष्टांग योग का चौथा भाग क्या है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है, चौथा भाग प्राणायाम है, पांचवा, ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसको सीक्वेंस भाई याद है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत इजी रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों पूरक का क्या अर्थ है। तो प्राणायाम के तीन घटक होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, श्वास अंदर लेना, श्वास अंदर रोकना और श्वास बाहर निकालना। तो पूरक का अर्थ है अंतर श्वसन यानी कि इंस्पायरेशन, यानी श्वास को अंदर लेना। फिर कुंभक का अर्थ होगा श्वास को अंदर रोकना। कुंभक दो प्रकार का होता है, वाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक में अंदर श्वास को रोका जाता है, वाह्य कुंभक में बाहर श्वास को रोका जाता है, रेचक में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है पद्मासन और सिद्धासन क्या है। तो दोस्तों पद्मासन और सिद्धासन दोनों ध्यानात्मक आसन है, जिसमें बैठकर ध्यान किया जाता है। नेक्स्ट है अष्टांग योग के अंतिम तीन भाग क्या है। दोस्तों तो प्रथम के पांच यम, नियम, आसन, प्राणायाम को हम बहिरंग साधन कहते हैं, एंड जो लास्ट के तीन होते हैं धारणा, ध्यान, समाधि, उसको अंतरंग साधन कहते हैं। तो अंतरंग योग कहलाएगा अंतिम तीन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेशन पद्धति। रिपीटेशन पद्धति क्या बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो रिपीट, बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि स्पीड भी बढ़ रहा है, एंड रिपीट करने से तो क्षमता यानी कि इंड्योरेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो है रिपीटेशन पद्धति में गति क्षमता, विस्फोटक शक्ति, अधिकतम शक्ति सभी विकसित होंगे। नेक्स्ट दोस्तों मांसपेशी या संधि में विस्तार को क्या कहते हैं। जब भी जोड़ों की बात आए तो याद रखिएगा वो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे लोस यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी राइट होगा। नेक्स्ट है शवासन या मकरासन क्या है। शवासन एक प्रकार का शिथिल करता है बॉडी को, यानी कि विश्राम आसन है, एकदम चित्त लेट दिया जाता है, पीठ के बल दोनों हाथों को लूज छोड़ दिया जाता है और एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो ये विश्राम आसन है। नेक्स्ट है लोच व गति शारीरिक स्वास्थ्य के घटक हैं। दोस्तों लोच व गति यानी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड दोनों शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल फिटनेस के घटक हैं, और भी मोटर स्किल रिलेटेड तो सत्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है
योग शारीरिक शिक्षा का एक अंग नहीं है, तो ये असत्य है दोस्तों, योग शारीरिक शिक्षा का एक अंग है। नेक्स्ट है प्रतिकूलन प्रक्रिया को करना चाहिए। प्रतिकूलन यानी कि एक कूलिंग डाउन की बात कर रहा है, जैसे कि वार्मिंग अप जो शरीर को गर्माया जाता है और किसी भी प्रतियोगिता या एक्टिविटी के पहले किया जाता है, जिससे शरीर में तापमान बढ़ जाएगा और लचीलापन हो जाएगा, चोट नहीं लगेगा। और प्रतियोगिता के बाद जब इंसान थक जाता है उसके बाद शरीर को ठंडा यानी कि कूलिंग डाउन किया जाता है, रिलैक्स पोजिशन में किया जाता है रिकवरी के समय, तो यह प्रतियोगिता के बाद किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 100 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट दोनों प्रकार के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।